जानने जरूरी, नहीं तो अधूरा अधूरा। एक एक व्यक्ति अपने आप में कुछ भी नहीं बता पाता है, एक एक घटना कुछ नहीं कहती, लेकिन 20,000 साल का इतिहास साफ है। इस 20,000 साल में योग निरंतर एक बात कहता रहा है कि आज्ञा चक्र के साथ जुड़ा हुआ आधा मस्तिष्क जो बंद पड़ा है, अगर तुम्हें संसार के पार कुछ जानना है तो उस आधे मस्तिष्क को सक्रिय करना जरूरी है। अगर परमात्मा के संबंध में कोई यात्रा करनी है तो वो आधा मस्तिष्क सक्रिय होना जरूरी है। अगर पदार्थ के पार देखना है तो वो आधा मस्तिष्क सक्रिय होना जरूरी है। उसका द्वार है आज्ञा, वो जहां आप तिलक लगाते हैं वो तो करस्पॉन्डिंग हिस्सा है आपकी चमड़ी के ऊपर, उससे अंदाजन 1.5 इंच भीतर, अंदाजन कहता हूं क्योंकि किसी का थोड़ा ज्यादा किसी का थोड़ा कम, अंदाजन 1.5 इंच भीतर वो बिंदु है जो द्वार का काम करता है पदार्थ अतीत भावातीत जगत के लिए। तिब्बत में तो जैसा हमने तिलक आविष्कृत किया, तिब्बत ने तो ठीक ऑपरेशंस भी आविष्कृत किए, अब तिब्बत ही कर सकता था क्योंकि तिब्बत ने जितनी मेहनत की है मनुष्य के तीसरे नेत्र पर, वो थर्ड आई पर, उतना किसी और सभ्यता ने नहीं किया। सच तो यह है कि तिब्बत का पूरा विज्ञान और पूरी समझ, जीवन के अनेक आयामों की समझ उस तीसरे नेत्र की ही समझ पर आधारित। जैसा मैंने कायसी का आपके लिए कहा, तो कायसी तो एक व्यक्ति है, तिब्बत में तो सैकड़ों साल से व्यक्ति जब तक समाधि में ना जाए तब तक दवा का कोई पता ही नहीं लगाते रहे, पूरी सभ्यता ही वो काम करती रही। समाधिस्थ व्यक्ति से ही दवा पूछेंगे, उसकी दवा का ही उपयोग है, बाकी तो सब अंधेरे में टटोलना है। उन्होंने तो ऑपरेशंस भी विकसित किए, ठीक इस 1.5 इंच के भीतर जो जगह है उस पर ऑपरेशंस भी करने के प्रयोग किए, उसको बाहर से भी तोड़ने की कोशिश की, वो टूट जाती है, बाहर से भी टूट जाती है। लेकिन बाहर से टूटने में और भीतर से टूटने में एक फर्क है, इसलिए भारत ने कभी उसको बाहर से तोड़ने की कोशिश नहीं की, वो मैं आपको ख्याल में दे दूं। उसे भीतर से ही तोड़ने का आधा मस्तिष्क सक्रिय हो जाता है। बहुत संभावना यह है कि वो अपने इस नए आधे मस्तिष्क की सक्रियता का दुरुपयोग करेगा। उसकी चेतना में कोई अंतर नहीं हुए, वो आदमी वही का वही है, उसकी चेतना में कोई साधनागत अंतर नहीं हुए और उसके मस्तिष्क में नए काम शुरू हो गए। अगर वो आदमी आज दीवार के पार देख सकता है तो इस बात की बहुत कम संभावना है कि वो कुएं में किसी गिरे आदमी को देख कर निकालने जाएगा, इसकी बात की बहुत संभावना है कि किसी के गड़े हुए खजाने को खोदने जाएगा। अगर वो आदमी ये देख सकता है कि उसके भीतरी इशारे से आपको आज्ञा दी जा सकती है, तो इस बात की बहुत कम संभावना है कि आपसे वो कोई अच्छा काम करवाएगा, इस बात की बहुत संभावना है कि आपसे वो कोई बुरा काम करवाएगा। ऑपरेशन हो सकता था, भारत को भी उसके सूत्र पता थे, पर उसका कभी प्रयोग नहीं किया। नहीं प्रयोग किया इसीलिए कि जब तक व्यक्ति की चेतना भी भीतर से इतनी विकसित ना हो कि नई शक्तियों का उपयोग करने में समर्थ हो जाए, तब तक उसे नई शक्तियां देना खतरनाक है। बच्चे के हाथ में जैसे हम तलवार देते, बहुत डर तो यह है कि वो दो चार को काटेगा, डर यह भी है कि वो अपने को भी काटेगा। और बच्चे के हाथ में दी गई तलवार से किसी का भी मंगल हो सकेगा, इसकी आशा करना दुराशा मात्र है। तो चेतना के तल पर अगर व्यक्ति के भीतर की चेतना विकसित न हो, उसके हाथ में नई शक्तियां देना खतरनाक है। तिब्बत ने उस जहां हम तिलक लगाते रहे हैं वहां ठीक भीतर तक भी छेद करने की कोशिश की है भौतिक उपकरणों से, इसलिए तिब्बत बहुत सी बातें जान पाया, बहुत से अनुभव कर पाया, लेकिन फिर भी तिब्बत कोई नैतिक अर्थों में महान देश नहीं बन पाया। ये बड़ी आश्चर्यजनक घटना है। तिब्बत बहुत काम कर पाया लेकिन फिर भी नैतिक अर्थों में वो एक बुद्ध भी पैदा नहीं कर पाया। उसकी जानकारी बढ़ी, उसकी शक्ति बढ़ी, अनूठी बातों का उसे पता चला, लेकिन उन सब का उपयोग बहुत छोटी बातों में हुआ।
उनका बहुत बड़ी बातों में उपयोग नहीं हो सका। भारत ने कोई सीधा भौतिक प्रयोग करने की कभी चेष्टा नहीं की। चेष्टा ये की कि भीतर से चेतना को इकट्ठा करके इतना कंसंट्रेट, इतना एकाग्र किया जाए कि चेतना की शक्ति से ही वो तीसरा नेत्र खुल जाए, उसके ही प्रवाह में खुल जाए। क्योंकि उसके प्रवाह को तीसरे नेत्र तक लाना एक बड़ा नैतिक उपक्रम है, उसे इतना ऊपर चढ़ाना। क्योंकि साधारणतः हमारा मन नीचे की तरफ बहता है। सच तो यह है कि हमारा मन सेक्स सेंटर की तरफ ही बहता रहता है। हम कुछ भी करते हो, हम चाहे धन कमाते हो, चाहे पद की चेष्टा करते हो, चाहे कुछ भी करते हो, हमारा सब करने के पीछे कहीं गहरे में काम वासना हमें खींचती रहती है। धन भी हम कमाते हैं तो इसी आशा में कि उससे काम खरीदा जा सके, और पद की भी हम इच्छा करते हैं इसी आशा में कि पद पे बैठकर हम ज्यादा शक्तिशाली हो जाएंगे काम को खरीद लेने में। इसलिए अगर पुराने दिनों में राजा की इज्जत का पता इससे चलता था कि कितनी रानियां उसके पास है, तो वो ठीक मेजरमेंट था, वो ठीक, क्योंकि पद का और कोई मूल्य क्या है, पद का करोगे क्या, कितनी स्त्रियां तुम्हारे हरम में, उससे पता चल जाएगा कि तुम कितने बड़े पद पर। पद का भी उपयोग, धन का भी उपयोग घूम के तो काम वासना के लिए ही होना है। हम जो भी करेंगे हमारी सारी शक्ति काम के केंद्र की तरफ दौड़ती रहेगी, और जब तक शक्ति काम के केंद्र की तरफ दौड़ रही तभी तक व्यक्ति अनैतिक हो सकता है। अगर शक्ति को ऊपर की तरफ दौड़ानी है तो काम की यात्रा रूपांतरित करनी पड़ेगी। अगर आज्ञा चक्र की तरफ शक्ति को ले चलना है तो काम की यात्रा को बदलना पड़ेगा, रुख पूरा ध्यान पीठ ही फेर लेनी पड़ेगी नीचे की तरफ और मुंह करना पड़ेगा ऊपर की तरफ।